Assalamualaikum, Ufuq Gul here. Welcome back to our YouTube channel, IER Academy. Hope you all are doing well. Today our new topic is the future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. फ़ैल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम कहते हैं फ़ैल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. तो देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल दैट आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब आज हमारा लास्ट टेंस है. तो हम जो है 12 टेंसेस को कवर कर चुके हैं, मतलब जिनमें से 11 हो चुके हैं. आज जो है वो हमारा लास्ट टेंस है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं जल्दी जल्दी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मुख्तलिफ जो न्यू टॉपिक्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब फ़ैल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. अब हमने देखना है कि ये वाला टेंस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन क्या कहती है, उसके मुतल्लिक फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन. एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस अप टू अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. An action which will be in progress up to a particular time in future. मतलब कोई एक ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो आने वाले कल में या फिर जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहेगा. कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में ख़ास वक्त तक जारी रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. अगर हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मतलब कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, तो हमारे पास जब ऐसे वर्ड्स कुछ लास्ट में होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, जब भी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के लास्ट में होंगे, तो हमने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. देन अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो हम इस टेंस में या इसके सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, जब भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर सिर्फ कंटिन्यूअस हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing हम यूज़ करते हैं. देन हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के तीन भी होते हैं. तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, सेंटेंस के लिए निहायत ही ज़रूरी होता है. वो बताता है कि जो ये काम है वो कब हो रहा है, मतलब हो चुका है, अभी हो रहा है या फिर आने वाले कल में होगा. तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन से, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है. हम शैल का यूज़ पहले भी पढ़ के आए हैं. शैल जो है वो मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन अगर हम यूज़ करें तो जस्ट आई एंड वी के साथ यूज़ कर सकते हैं. तो जब शैल हैव बीन है तब भी इसका यूजेज यही रहेगा कि हम सिर्फ किसके साथ, आई एंड वी के साथ यूज़ कर सकते हैं. और अगर आई और वी के साथ हम विल भी यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, यू, दे, या फिर कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेम है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, विल हैव बीन को यूज़ करेंगे. देन हम आते हैं सेंटेंसेस पे. अब हमें देखना है कि हमने उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी देख ली, डेफिनेशन भी हमें समझ आ गई, हमने देखी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, देन हमने हेल्पिंग वर्ब्स भी देख लिए, समझ लिए. अब हमने देखना है कि हम इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के इसके सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस, मतलब एक सादा सा जुमला. अब सादा सा जुमला कैसे बनेगा, किस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये चीज़ याद दहानी करवाई है कि सबसे पहले हम जब सिंपल सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या बनाना ज़रूरी होता है, फार्मूला बनाना ज़रूरी होता है. जब तक आप फार्मूला बनाना नहीं सीखेंगे आपको सेंटेंस बनाना कभी भी नहीं आएगा, ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि फार्मूला कैसे बनता है. जब हम फार्मूला बना लेंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है. फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर एंड देन टाइम प्लस फुल स्टॉप, ठीक है. अब ये क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है, एक फार्मूला है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं. अब इस फार्मूला के तहत हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, ही, शी, इट, वी, दे, यू, जो रखना चाहें आप. अब मैंने क्या रखा है यहाँ पे, ही.
अब देखना है ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। हमने दो हेल्पिंग वर्ब पढ़े ना, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। शैल हैव बीन जो है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं। तो मतलब बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने क्या यूज करना है, विल हैव बीन यूज करना है। तो हमने क्या सब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ही। तो मतलब ही के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल हैव बीन यूज होगा। तो ही के बाद हमने क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। देन हम आते हैं अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसके साथ आई एन जी। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी वॉच, उसके साथ हमने क्या लगाया, आई एन जी। तो ये क्या हो गया, वॉचिंग, मतलब फोर्थ फॉर्म भी जिसे आप बोल सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमने रखा, टीवी। एंड देन सिंस या फॉर लगाना है, क्या लगाना है, सिंस या फॉर, क्योंकि ये हम पहले भी यूजेज पढ़ के आए हैं, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो वहाँ पे सिंस और फॉर का इजाफा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे टेंसेज में क्या किया जाता है, वक्त का इजहार किया जाता है, मतलब टाइम के बारे में बताया जाता है कि जो काम है वो कब से हो रहा है या कब से हो रहा था, ठीक है, या कब तक होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, टाइम के बारे में बताते हैं। तो सिंस और फॉर जो है इसका यूजेज हमने पहले भी पढ़ा है, सिंस जो है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अननोन टाइम के लिए, जब हमें पर्टिकुलर टाइम का किसी खास वक्त का पता नहीं होता। फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉन टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का यूजेज लाना है, देन टाइम, देन फुल स्टॉप, ठीक है। अब जो हमारा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, He will have been watching TV. अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, सिंस लगाया है, उसके साथ मैंने टाइम क्या लिखा है, नाइट, ठीक है। He will have been watching TV since night. वो रात से टीवी देख रहा होगा, वो रात से टीवी देख रहा होगा। अब हमारी डेफिनेशन देखें क्या कह रही थी, एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस अप टू पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, मतलब कोई काम जो आने वाले कल में, जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक जारी रहेगा। अब ये उसी की बात कर रहे हैं कि ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, वो रात से टीवी देख रहा होगा, ठीक है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, अगर वो बोले, कोई पूछे उसके बारे में कि वो क्या कर रहा होगा, हम क्या बोलेंगे, वो रात से टीवी देख रहा होगा, वो रात से टीवी देख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल लें हम इसी की, तो दूसरी एग्जांपल में देखें, अब सबसे पहले हमने फार्मूला उसी के तहत हमने बनाया, सबसे पहले क्या रखने हैं हमने, सब्जेक्ट, देन हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट क्या रखा था, दे रखा था, दे के साथ भी हमने क्या लगाना है, विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव बीन किसके साथ यूज होगा, सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब रखा विल हैव बीन। देन अब आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है हमारे पास, फाइट, उसके साथ मैंने क्या लगाया, आई एन जी लगाया, ये क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। देन विद अस, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मैंने फॉर लगाया, ठीक है, ऊपर मैंने क्या लगाया था, सिंस, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फॉर टू इयर्स। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगाया था और यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है, यहाँ पे सिंस इसलिए लगाया था क्योंकि वो रात से टीवी देख रहा होगा, लेकिन रात के बारे में मुझे टाइम को पता नहीं था कि रात 10 बजे से, रात 11 बजे से, रात 12 बजे से, किस टाइम से वो टीवी देख रहा था, मुझे टाइम का नहीं पता, इसलिए हमने क्या रखा था, सिंस रखा था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे विल हैव बीन फाइटिंग विद अस फॉर टू ईयर्स, फॉर टू ईयर्स, अब क्या है, टू ईयर्स को हमने मैंशन किया है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम के बारे में पता है कि 2 साल से ये काम हो रहा है, ठीक है। अब देखें, दे विल हैव बीन फाइटिंग विद अस फॉर टू ईयर्स, वो 2 साल से हमसे लड़ रहे होंगे, या वो 2 साल से हमसे लड़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू ईयर्स है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हमने फॉर लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम का पता है कि 2 ईयर्स है, मतलब 2 सालों से वो काम हो रहा होगा, इसलिए हमने क्या लगाया है, फॉर लगाया है। तो ये सिंस और फॉर का यूसेज है, और ये सिंपल सेंटेंसेस है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरफ।
अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले हमने देखा कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं किसके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हमने देखना है कि हमें नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस। अब सबसे पहले आता है नेगेटिव, ठीक है। सिंपल के बाद हमने कौन सा देखना है, नेगेटिव। अब इसी तरह जैसे हम नेगेटिव सिंपल के सेंटेंस बनाए थे, सबसे पहले हमने क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। तो अभी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल या इनफॉर्मल, हम पहले क्या बनाना सीखते हैं, फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला के तहत हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव में भी हमने क्या करना है, पहले देखना है कि इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। अब फॉर्मूला देखना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमने पहले वाले सेंटेंस को ही चेंज किया है, सबसे पहले हमने क्या रखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। हमने देखा कि विल हैव बीन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और शैल हैव बीन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम उसको साथ में नहीं लिख सकते, तो हमने उसको क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है, उसको अलग अलग कर देना है। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है, क्योंकि ये विल हैव बीन बहुत बड़ा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम सिर्फ विल या शैल, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें से विल या शैल जो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने रखना है, उसके बाद नॉट लगाना है। नॉट क्या शो करेगा कि ये कौन सा वो है सेंटेंस हमारे पास, नेगेटिव है, देन हैव बीन। अब यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया, विल देन नॉट देन हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर टाइम एंड देन फुल स्टॉप। अब ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमने क्या रखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ही, देन विल या शैल, ही के साथ हमने क्या लगाना है, विल, देन नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा क्या था, वॉच था, उसके साथ हमने आई एन जी लगाया, वॉचिंग, देन ऑब्जेक्ट टीवी, एंड देन हमारे पास सिंस या फॉर का जो यूजेज है हमने वो लगाना है, उसके बाद टाइम मतलब नाइट, एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, दे ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। He will not have been watching TV since night. वो रात से TV नहीं देख रहा होगा। अब पहले सिंपल स्टेटमेंट था, नेगेटिव में आके हमने उस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया या उससे हम एग्री नहीं करते, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने देखना है कि हम इंट्रोगेटिव में इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव हम इसका कैसे बना सकते हैं, सवालिया जुमला। अब इंट्रोगेटिव में पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना होता है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस जहाँ पे एंड होता है लास्ट में हम फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब तक हम ये नहीं लगाएंगे हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। तो हमने इंट्रोगेटिव में ये चीजें नोट करनी है। अब इंट्रोगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब क्योंकि हमने इसको क्या किया है, तोड़ दिया है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विल या शैल, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा हमने वो लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हम क्या रखेंगे, विल रखेंगे, विल देन सब्जेक्ट ही एंड देन हैव बीन। अब यहाँ आके हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हमारा मुकम्मल हो गया, विल ही हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी मतलब वॉचिंग, ये फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट टीवी, देन सिंस फॉर, एंड देन टाइम नाइट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्या बोल रहे हैं, विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, उसके बारे में सवाल कर रहा है, क्या वो रात से टीवी देख रहा होगा, क्या वो रात से टीवी देख रहा होगा। यहाँ पे पहले हमने क्या बोला था, वो रात से टीवी नहीं देख रहा होगा, अब उसी को हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है, क्या वो रात से टीवी देख रहा होगा। क्या बोल रहे हैं, विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है हम इसी को फॉर्मल में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को जो हमने सिंपल बनाया, नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, उसी को अब हम फॉर्मल में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर्मल में भी हमने क्या करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी होता है नेगेटिव भी, तो इंट्रोगेटिव की साइन क्या थी कि हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आए, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, विल या शैल। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, विल रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब हम सवाल भी करेंगे इसी चीज़ से इनकार भी करेंगे, तो सबसे पहले हमने विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, देन टाइम, एंड देन क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, क्या वो रात से टीवी नहीं देख रहा होगा। इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या वो रात से टीवी देख रहा होगा, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या वो रात से टीवी नहीं देख रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मल सेंटेंस है। अब देखना है कि इसी फॉर्मल को इनफॉर्मल में हम कैसे चेंज करेंगे। इनफॉर्मल का पहले भी मैं आपको रूल बता चुकी हूँ कि उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो होता है उसको हम कंबाइन करके उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, उसको कंबाइन करके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल हैव बीन एंड शल हैव बीन, तो जो हमारा विल या शल है उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है, हमारे पास विल नॉट की होती है वॉन्ट एंड शल नॉट की शेंट। ये क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज़ किया है, विल यूज़ किया है, तो हमने विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म देखनी है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वॉन्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसी वॉन्ट को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, विल शल प्लस नॉट, अब इसको जब हमने कंबाइन करके रखा तो ये क्या है हमारे पास, वॉन्ट। ठीक है, देन हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ही, एंड देन क्या है, हैव बीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, मतलब वॉन्ट ही हैव बीन। ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आई एन जी, मतलब वॉचिंग। ठीक है, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म था, उसके साथ हमने क्या लगाया, आई एन जी लगाया, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है सेंटेंस, वॉन्ट ही हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, वॉन्ट ही हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। अब इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है एज इट इज़ फॉर्मल की तरह रहेगी, कि क्या वो रात से टीवी नहीं देख रहा होगा, क्या वो रात से टीवी नहीं देख रहा होगा, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन सेम रहेगी, सिर्फ फ़र्क किस में आएगा, वो हमारे इंग्लिश सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश सेंटेंस में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा, उसके बाद नॉट लगाया, जबकि इनफॉर्मल में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ करके रखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट और अदर जो चीज़ें हैं वो लगाई। आई बात समझ में, तो यहाँ तक ये क्या है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या कहता है, मतलब कोई ऐसा काम जो आने वाले कल में किसी खास वक्त तक जारी रहेगा, मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक जब कोई काम जारी रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है जिसको आप बना के प्रैक्टिस करके इस टेंस को सीख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो 12 टेंसेस हैं वो आज कवर हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको समझ आए, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप दोबारा सजेशन में बोल सकते हैं कि हम इसको दोबारा भी कवर कर सकते हैं या आपके लिए हम इसे दोबारा कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय, थैंक यू।